तो दोस्तों, जैसा आप ये मेरे पीछे और अभी वीडियो के स्टार्ट में जो क्लिप देखे हैं, तो आज को बहुत ही कुछ स्पेशल वीडियो होने वाला है। गांव की संस्कृति जो कि हमारे यहाँ दीपावली के छठ पूजा के समय दोस्तों यहाँ पर सिद्ध पिपराज वाले बाबा के पास बहुत बड़ा मड़ई मेला भरता है, जिसके लिए दोस्तों मैंने स्पेशल वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो आप लोगों को मैं ज़रूर दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए आगे की क्या एक्टिविटी रहती इस मड़ई मेले की। गांव के लोग आसपास के आते हैं, विलेज व्लॉगिंग करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड यहाँ देखिए खिलौनों की दुकान लग चुकी है। माताएं बहनें गांवों की जो है यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ में। आप लोग देखेंगे ये भैया जी ने हाय बोल दीजिए भैया, ये दुकान लगाए हैं खिलौनों की, देखिए आप लोग। तो बने रहिए हमारे साथ में। आगे देखिए यहाँ पानी पूरी की भी दुकानें लगी हुई हैं। साथ में देखिए अच्छी अच्छी प्रकार की यहाँ कंगन चूड़िया सेट ये भाई ने लगा के रखे हैं। हाय बोल दो भाई। तो और साथ में दोस्तों यहाँ देखिए मछलियाँ भी हैं। भाई लोग यहाँ आज मेले के दिन मछलियाँ बेचने आए हैं। कैसे किलो भाई? 400 रुपये किलो। तो 400 रुपये किलो यहाँ मछली है, मछली भी इस मेले में लगी हुई है। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं हमारा सीन ले लीजिए। चलिए भाई, राजस्थानी बंगाल है दोस्तों। देखिए फ्रेंड काफ़ी बच्चों के यहाँ छोटे छोटे बोले हाय भैया। यहाँ बादाम शेक देखिए दुकान लगी हुई है, यहाँ बच्चे लोग सर्विंग करते हुए। यहाँ दोस्तों काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे तो मेरे आगे पीछे देखेंगे आप। साथ यहाँ पर भक्तों की है, यहाँ जो सिद्ध वाले पिपराज बाबा हैं यहाँ पर काफ़ी लोग मन्नतें मांगते हैं। ये भाई देखिए यहाँ दुकान लगा करके बढ़िया सी हाय बोल दो भाई। देखिए काफ़ी यहाँ पर दुकानें मेले में लगी हुई हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं दुकान। फ्रेंड वीडियो पर बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मिले को, आप लोग देखेंगे यहाँ। ये भाई हाय बोल दो भाई, चाय पी रहे हैं दुकानदार। यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ खरीदी करते हुए। फ्रेंड काफ़ी भीड़ है यहाँ देखेंगे, यहाँ सभी बच्चे माताएं बहनें। आज संडे का दिन भी है यहाँ और काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ देखिए स्टील और जर्मन के बर्तनों की दुकानें भी सजी हुई हैं। यहाँ ये बहनें खरीदती हुई यहाँ पर बर्तन आप लोग देखेंगे। और भीड़ जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ते ही जाने वाली है। देखिए आप चारों ही तरफ लगने लगा है कि मेला लगा हुआ है यहाँ। यहाँ कपड़े भी हैं अच्छे अच्छे किस्म के, बिंदिया माथे की टीकी। ये देखिए बच्चों के सॉक्स हैं बिल्कुल। काफ़ी भीड़ है फ्रेंड यहाँ पर देखिए, और ज़्यादातर यहाँ महिलाएं इकट्ठा होती हैं अपनी मन्नतों को मांगने के लिए। और आसपास में काफ़ी दुकानें हैं, आप लोग देखेंगे बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पर। फ्रेंड यहाँ आपको चाइनीज बैलून भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए काफी दूर दूर से यहाँ पर दुकानें आती हैं। यहाँ पर हाय बोल दीजिए भाई। देखिए तो यहाँ के गणमान्य नागरिक हाय बोल दो भैया। ये सभी लोग यहाँ कृषि का व्यवसाय करते हैं, दूध और पशुपालन का। गांव के यहाँ के रहवासी हैं, काफी सहयोग करते हैं। यहाँ देखिए ठंड है तो स्वेटर भी आने लगी। हाय बोल दो भाई। काफ़ी दूर से यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, आप लोग देखिए। ये भाई लोग ऑटो रिक्शा में ये दुकान लेकर के आते हैं। खेत में ये
मेला लगता है यहाँ पर, मड़ई मेला, काफी दूर दूर से दुकानें आती हैं, आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर पानी पूरी फुल्की खाते हुए बच्चे लोग, यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, देखिए आप लोग। ये मेरी फोटो ले लेना। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेले में अब जैसे जैसे शाम होते जाएगी काफ़ी भीड़ होते जाएगी यहाँ सिद्ध बाबा। और आपको ये वृक्ष याद होगा जो हमने पहले वीडियो पोस्ट किए थे, बस इसी के जस्ट नीचे पिपराज वाले सिद्ध बाबा का मंदिर है। आप लोग देखेंगे यहाँ बच्चे महिलाएं जो हैं शॉपिंग घरेलू करती हुई, यहाँ पर कप सेट, डिनर सेट और किचन की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखेंगे। एक छोटा सा गांव है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर ये काफ़ी मेला भरता हुआ यहाँ पर देखेंगे, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। यहाँ देखिए घरेलू पोस्टर जो हैं, सीनरीज जो हैं भगवानों की, पूजा की, और बहुत अच्छी अच्छी सीनरी हैं घर के सजावट के लिए, जो कि अमूमन हमारे गांवों के घरों में इस प्रकार की सीनरियों से सजावट की जाती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये फ्लैक्स बिकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अमूमन इन सीनरियों का बहुत चलन है घरों में, मिट्टी के घर होते हैं, दीवालों पर यहाँ कील की सहायता से इसे लगाया जाता है। ये अम्मा जी इतनी उम्र में, देखिए हाय बोल दीजिए अम्मा जी। यहाँ देखिए ये अपना ये व्यापार करते हुए, ये काफ़ी यहाँ पर आप लोग देखेंगे काफ़ी भीड़ हो चुकी है और यहाँ काफ़ी दिक्कत भी है व्लॉग बनाने में, बट आप लोगों के लिए ज़रूर बनाते रहेंगे। आप देखेंगे काफ़ी सुंदर दुकानें हैं यहाँ, देखिए बहुत से छोटे व्यापारी अपना व्यापार करते हुए यहाँ। फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये दादाजी जो हैं इस उम्र में व्यापार करते हुए यहाँ पर, आप लोग देखेंगे काफ़ी मतलब भीड़, और यहाँ पर लेडीज़ों की ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। दूर दूर तक दोस्तों को भीड़ी भीड़ नज़र आ रही होगी, देखिए ये मड़ई मेला में यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे अभी काफ़ी मशक्क़त होने वाली है यहाँ से आगे निकलने के लिए, काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मगर आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करना है। यहाँ लेवी बनती हुई आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए दुकानों पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ। ये अंकल देखिए यहाँ जलेबी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड काफ़ी हाय बोल दो भाई। काफ़ी यहाँ सिंघाड़े जो हैं इसकी पूजा होती है। तो फ्रेंड धीरे धीरे हम लोग सिद्ध बाबा के पास पहुंचने वाले हैं। देखिए उससे पहले आपको कुछ दुकानें दिखाना चाहेंगे जो हमारे लोकल गांव की है जहां हम लोग निवास करते हैं। तो यहां काफ़ी देसी मिठाइयां हाथों की बनी हुई घरेलू मिठाइयां आपको मिल जाएंगी। देखिए आप सभी लोग यहां पर काफ़ी बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें लगी हुई है चाचा। तो ये देखिए ये काफ़ी 40-45 वर्षों से बाप दादा के ज़माने से ये काम करते चले आ रहे हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे मिठाइयाँ, यहाँ जलेबी बहुत फेमस है इस गांव की। भैया हाय बोल दो। तो फ्रेंड यहाँ नॉइज़ बहुत है, अगर आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी तो उसके लिए सॉरी, मगर आप लोगों को पूरा मड़ई मेला हम लोग कवर करके देने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। और मड़ई मेला ये कार्तिक मास का जो है वो हमारे साथ घूमते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ये गांव का जो कल्चर संस्कृति है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके हम पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के आएँगे।